पेपर टू में कवर किया जाने वाला हर कोई टॉपिक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल, सोसाइटल फिलोस इंटरनेशनल करंट बेस्ड एंड एवरी टॉपिक इज कवर्ड इन लेटेस्ट फोर्थ एडिशन पेपर टू बुक डिलीवर्ड एवीकेस एवीकेडमी एंड मैं हूँ विनय कुमार आपके सामने द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ ईयर लेके आया हूँ दैट इज एवीकेडमी पेपर टू बुक लॉन्च दैट इज द लेटेस्ट फोर्थ एडिशन सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो कुछ भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका मैं डिटेल ओवरव्यू देने वाला हूँ ठीक है तो फर्स्ट ऑफ तो ऑल मैं आपको ये बताऊँगा कि ये बुक आपको परचेस करना कैसा है उसके बाद ये बुक का प्राइजिंग क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे वेदर एस आपका हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा वो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसी के साथ साथ बुक डिलीवरी के लिए कितना दिन लगेगा वो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ ऑलरेडी एवी के साथ स्टूडेंट्स एनरोल्ड है तो उनको फ्री में मिलने वाला है या फिर से उनको परचेस करना है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे और क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं और काफी सारे आपके डाउट्स है ये वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए आपको क्या करना है ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है लास्ट तक देखने से एक सिंगल क्वेरी भी आपका नहीं रहेगा ठीक है क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मली वीडियो स्टार्टिंग में दो मिनट देखते हैं और कॉल करना स्टार्ट कर लेते हैं ऐसा नहीं वीडियो एक दस मिनट देखो बुक के रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेरी रहेगा सारा कुछ आज आपका क्लियर हो जाएगा ओके सो so, आज हमारे साथ है श्रवण सांबरानी सर जो खुद ये पेपर टू बुक के ऑथर हैं एंड द वेल नोन फेस फॉर सी ए पी एफ पेपर टू एग्जामिनेशन आप सब लोग जानते ही होंगे मुझे कोई अभी नया आ, नया कुछ चीज़ सर के बारे में बोलने का जरूरत नहीं है तो सर ओके थैंक यू सर फॉर वेलकमिंग मी सो श्रवण सर के साथ डिस्कस करने से पहले आपका एक कॉमन क्वेरी मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ तो आप मुझे पूछोगे सर मेरे पास टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एग्जाम का बुक है जो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था मैंने ऑलरेडी उसको परचेस कर रखा है ट्वेंटी वन एग्जाम मैंने दिया भी है ठीक है इस साल मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो इस साल वाला जो बुक अभी लॉन्च हो रहा है और लास्ट ईयर का बुक दोनों में डिफरेंस क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट ईयर वाला जो आपने बुक परचेस किया था दैट इज फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एग्जाम जिसमें टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के सारे करंट अफेयर्स कवर्ड है करंट अफेयर्स इन द सेंस पेपर टू बुक इज ऑल अबाउट करंट इवेंट्स इवेंट इवेंट्स के ऊपर बेस होता है ठीक है अभी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एग्जाम जो देने वाले हैं वो टू ईयर्स का बैक करंट अफेयर्स पढ़ के क्या करेंगे दैट्स वाई एवी के एस अकेडमी क्या करता है यहां पे देख सकते हो दिस इज द बुक फॉर टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन एग्जामिनेशन ठीक है एंड दिस इज द बुक फॉर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी एग्जामिनेशन सेकेंड एडिशन है ये एंड लास्ट ईयर जो आपने बुक परचेस किया होगा दिस इज टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्जामिनेशन के लिए है और अभी सर आपको दिखाएंगे सो द मोस्ट अवेटेड बुक 2022 थाउजेंड ट्वेंटी एग्जामिनेशन का इस इन फ्रंट ऑफ यू जो आपका घर पहुंचने वाला है बुक कुछ इस तरह से दिखाई देगा अभी कुछ देर पहले विनय सर ने आपको पिछले तीन साल का बुक्स भी आपको दिखाया है वो बुक्स देख करके हमें बहुत खुश होता है क्योंकि हमारा आर एन डी टीम का मेहनत है हमारा आर एन डी टीम का जो कोशिश है वो आपका घर पहुंच चुके हैं हर सी ए पी एफ हमें ट्रस्ट कर रहा है और उसी ट्रस्ट को बिल्डअप करते हुए हम दिस ईयर ऑल्सो वी हैव लॉन्च द मोस्ट इफेक्टिव बुक एंड छः महीने से हम खुद लिखते आ रहे इस बुक को छ महीने का मेहनत आपको सिर्फ छः सौ रुपये में ए वी एकेडमी की तरफ से मिल रहा है तो इसको उपयोग कीजिएगा डू यूटिलाइज दिस बुक और दिस बुक विल बी योर बेस्ट फ्रेंड इन सी ए पी एफ प्रिपरेशन आपका एक बहुत अच्छा दोस्त बनने वाला है इस किताब और इस किताब को ऑर्डर कैसे करना है वो पहले हम जानते हैं फिर मैं आपके साथ बताऊंगा कि इस बुक का क्या कासियत होने वाला है वॉट आर द सेल इन फीचर्स ऑफ दिस बुक ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू

सो so, कैसा आपको बुकिंग करना है सारे डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन के बगल में मतलब जो आप देख रहे हो बगल में आपको दिखेगा मैं भी आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार ठीक है कैसा करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है ए वी के एस वेब ए एकेडमी का साइट ओपन करना है गूगल क्रोम जाओ गूगल क्रोम जाने के बाद आपको ए वी एकेडमी का साइट मिलेगा जाने का जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा ठीक है साइट का लिंक या डायरेक्ट परचेस लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा लेकिन इन ब्रीफ में आपको बताने वाला हूँ पे पे डायरेक्टली आप साइट पे जाओगे जहां पे आपको एवी के एस अकेडमी का पेपर टू का बुक ऑर्डर करना है ओके साइट पे जाने के बाद वहां पे आपको क्या करना है बाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है बाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फिर से रिडायरेक्ट होगा पेमेंट गेट पे ठीक है इट्स कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर अब कोई यहाँ पे टेंशन देने की जरूरत नहीं है लास्ट फोर टू फाइव इयर्स में ऑलमोस्ट ऑल ट्वेल्व थाउजेंड प्लस स्टूडेंट्स हैव बीन ठीक है सो so, आपको कोई यहाँ पे चिंता होने की जरूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेम फिलअप करना है नेम के बाद आपको अपना मेल आई देना है मेल आई के बाद आपको मोबाइल नंबर देना है ऑल आर सेफ एंड सिक्योर उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है अभी नेक्स्ट सेक्शन आपका रहेगा जब आप नेक्स्ट क्लिक करोगे वहां पे एड्रेस फिल करना है ठीक है तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ आपके बुक्स जो भी डिलीवर होने वाले हैं दैट इज कमिंग थ्रू इंडियन पोस्ट ओके सो इंडियन पोस्ट में जो भी आप एड्रेस फिल करते हो दैट शुड बी वेरी मच डिटेल्ड ठीक है आपका पिन कोड से लेके आपका डोर नंबर तक सब कुछ आपका बहुत ही डिटेल में होना चाहिए एड्रेस आप इन डिटेल फिल करो ठीक है आप शहर में हो या आप, आप टाउन में हो रूरल आ, एनी एरिया में हो या आप कोई सिटीज में हो तो विच अवर प्लेस यू लिव इन आपको डिटेली एड्रेस वहां पे देना है पिन कोड आपका करेक्ट होना चाहिए क्योंकि अगर पिन कोड रॉन्ग होता है तो उस केस में बुक हमें फिर से रिटर्न बैक हो जाएगा ठीक है तो ध्यान से पिन कोड आप सही दो एंड नेक्स्ट थिंग इज़ वहाँ पे जो आप मोबाइल नंबर दोगे मोबाइल नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि जो भी डिलीवरी बॉय आते हैं तो क्या करेंगे वो वो कॉल करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो कॉल करेंगे तो कॉल करने के वक्त आपका मोबाइल नंबर नहीं लगता है देन उस केस में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए मेल आई भी एक्टिव होना चाहिए ठीक है क्योंकि अभी तक हम जो आपको कंटेंट देने वाले हैं दैट इज स्टिल डेट मतलब आज समझ लो आज लॉन्च हो रहा है तो एक दिन पहले तक का कंटेंट है उसके बाद भी जो कंटेंट मिलने वाला है पूरा आपको मेल आई में आने वाला है मतलब अलग से पी फॉर्मेट में आपको अपना मेल आई में आएगा ओके सो so, मेल आई आपका करेक्ट होना चाहिए तो पूरा होने के बाद आपको जस्ट वहां पर बाई नाउ में क्लिक करना है ओके एंड वहां पे मीडियम भी पूछेगा मीडियम आपको अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश एस एस देन हिंदी है तो हिंदी करके आप वहाँ पे टाइप करके आप वहाँ पे बाय नाउ क्लिक करोगे बाय नाउ के बाद आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे क्रेडिट कार्ड रहेगा डेबिट कार्ड रहेगा एंड गूगल पे फोन पे वॉटर पेटीएम वाटर सारे गेट वेस अलाउड है मतलब सारे पेमेंट ऑप्शंस वहाँ पे अलाउ है आप वहाँ पे, पे पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुल ट्रांसैक्शन आएगा और एवी के अकेडमी वेबसाइट में आप रिडायरेक्ट हो जाओगे एंड जो भी डिटेल है जो भी इंफॉर्मेशन है बुक के रिगार्डिंग आपको मेल पे आ जाएगा ओके अभी मैं जो कुछ भी डिटेल्स ऑलरेडी बता चुका हूँ ये वीडियो में वो सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पेमेंट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन के नीचे जाओ वहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट लिंक भी मिलेगा वहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप पेमेंट गेट में चले जाओगे ओके सो so, अभी आपने पेमेंट कर दिया है वेरी गुड वेल डन सो पेमेंट करने के बाद आपका ये डाउट आएगा सर बुक मेरे घर पर डिलीवर कब होगा ठीक है देखो अभी हम जो जो बुक हमने लॉन्च किया है इट इज़ अंडर प्रिंटिंग ओके सो प्रिंट होके हमारे पास आने के लिए बस एक दो तीन दिन टाइम लगेगा तब तक जिन्होंने अभी तक रजिस्टर किया है समझ लो आज आप रजिस्टर कर रहे हो देन एग्जैक्ट टाइम में दे पाऊंगा ट्वेंटी या ट्वेंटी फर्स्ट तक आपके पास बुक्स आपके हाथ में रहेंगे ठीक है ट्वेंटी और ट्वेंटी वन में जो बोल रहा हूँ वो मैक्सिमम केस है तो थोड़े स्टूडेंट्स होते हैं जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं मतलब रूरल रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं ठीक है तो उस केस पे ट्वेंटी या ट्वेंटी वन तक का तक का डिलीवर हो जाएगा ठीक है अगर आप कल ऑर्डर करते हो थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि बुक का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है इज़ इट क्लियर बुक का डिमांड ज़्यादा है तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको बुक ऑर्डर करना है जितना जल्दी हमारे पास पेमेंट आएगा हमारे पास आपका रजिस्ट्रेशन आएगा उतना ही जल्दी आपका बुक डिलीवर होने का संभावना है इज़ इट क्लियर सर अभी आप ये बताओ स्टूडेंट्स भी वही सुनना चाहते हैं कि बुक में एग्जैक्टली exactly क्या क्या रहने वाला है yeah. ठीक है स्टूडेंट्स का ये डाउट है क्या इसमें ओनली एस रहेगा या रिपोर्ट राइटिंग रहेगा ग्रामर का पार्ट नहीं रहेगा या yeah. प्रेस का पार्ट नहीं रहेगा yeah. क्या क्या एग्जैक्टली exactly ये बुक में आज हम देने वाले हैं yes. ठीक है जब उनका डिलीवर होगा उनके हाथ yeah. में रहेगा सो so, वो पूरा आज आपको एक्सप्लेन करना है ठीक है ठीक है yeah. जरूर सर आपने ठीक है सर जरूर बताऊंगा कि इस बुक में क्या क्या उनको मिलने वाला है लेकिन उससे पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं दिल्ली जैसे शहर से लेकर के हर गली तक हर गांव तक यह बुक पहुंच चुका है नॉर्थ से लेकर के साउथ तक वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक नॉट इवन वन स्टेट इज लेफ्ट वेयर ए वी के बुक हैव नॉट रीच्ड इस बात को सुन करके हमें बहुत प्राउड फील होता है अभी सर ने बोला ट्वेल्व थाउजेंड से ज़्यादा कॉपीज़ पिछले चार साल में ए वी के अकेडमी हैव डिलीवर टू द स्टूडेंट्स सो इट इज ऑल ट्रस्ट तो पेपर टू का बुक का मतलब पेपर टू का हर कुछ सिलेबस उसमें कवर किया जाएगा जैसे कि आपका पेपर टू में मैंशन किया है एस एर्गूमेंट रिपोर्ट रिसाई कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर ईच एंड एवरी सेक्शन विल बी कवर्ड उसमें सिर्फ आपको एस ए का एक पार्ट है जो आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो इसीलिए हर मीडियम के स्टूडेंट को कंफर्टेबल रखने के लिए सिर्फ ऐसे को भी हम दोनों लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन दे रखा है काफी अच्छा टॉपिक करंट टॉपिक से बेस हो करके इस साल का बुक आने वाला है क्योंकि 2021 का बुक वाज बेस्ड ऑन 2021 करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स 2022 का जो बुक आने वाला है इट इज प्योरली बेस्ड ऑन 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू करेंट इवेंट क्योंकि पिछले साल देर वॉज एन इवेंट देर वॉज नो इवेंट ऑफ रशिया पिछले साल देर वॉज नो इवेंट ऑफ रेजिंग द मैरिज ऑफ वुमेन हर सोसाइटी से लेकर के हर फिलोसफिकल टाइटल पोलिटिकल टाइटल द टाइटल विथ कंटेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक टाइटल ईच एंड एवरी डायमेंशन देर आर सम करेंट इवेंट्स एंड अवर आर एन डी टीम हैव वर्क फॉर दिस टू इनकलकेट ऑल द करेंट बेस्ट टॉपिक्स इन योर प्रेजेंटेशन इन योर बुक ठीक है पेपर टू में जो कुछ भी एरिया मैंशन किया गया है हर एरिया इस बुक में हमने कवर किया है सो डोंट हैरी अबाउट इट दिस बुक जैसे मैंने ऐसे नहीं बोलता हूँ ना एक आपका बेस्ट फ्रेंड होना होने वाला है बेस्ट फ्रेंड होने वाला है मतलब आपको हर कुछ ये बेस्ट फ्रेंड की तरफ से मिलने वाला है ओके सर ओके थैंक यू सर आपने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स को सो so, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स uh, से भी पूछते हैं सर बुक में कितने सारे टॉपिक्स रहेंगे hmm. और वो टॉपिक्स कहाँ कहाँ से रहेंगे मतलब किस टाइप ऑफ टॉपिक्स वहाँ से पूछा जाएगा yes. और बुक का इम्पोर्टेंस क्या है ओके okay, सर uh, तो आपने इसमें एक सवाल है इनफैक्ट एक सवाल में तीन चार सवाल आ गया है फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल द क्वेश्चन इन द वन फ्रेम ठीक है बुक so, में क्या क्या कवर किया जाएगा आई ऑलरेडी सेड मोस्टली ऑल द करेंट इवेंट्स ऐसा जैसे सर ने कहा कि आज बुक लॉन्च हो रहे मतलब कल तक का टॉपिक्स इस बुक में रहेंगे आज के बाद वाला टॉपिक भी मतलब अगस्त में आपका एग्जाम है जुलाई तक का करंट इवेंट्स जो भी है वो भी हम आपको मेल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा नॉट इवन सिंगल टॉपिक इज मिस्ड इन दिस पर्टिकुलर बुक श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस है सवाल बनेगा तो इस बुक में है रशिया यूक्रेन का वार है सवाल बनेगा तो इस बुक में है हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी किसी स्टेट में चला कर्नाटक में चला तो इस बुक में है तो यू नॉट एक्सपेक्ट दैट वन और टॉपिक इज स्किप्ड इन दिस पर्टिकुलर बुक ये बुक आपको बहुत मदद होने वाला है क्योंकि यू डोंट मैगजीन हमने आपके तरफ से रिसर्च किया है हाफ एंड वी हैव इनकल करेंट बर्निंग टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर बुक एंड वन मोर थिंग इस बुक में पूरा हम एक सौ बीस से ज्यादा टॉपिक्स कवर किया है मोर देन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टॉपिक्स आर सीन कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर बुक यानी वन ट्वेंटी प्लस में आपके ऐसे भी होंगे ऑर्गूमेंट्स भी होगा रिपोर्ट्स भी होगा दीज थ्री आर द प्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्टिव सेंस यानी आपको ऐसे लिखना है ऑर्गुमेंट लिखना है और रिपोर्ट लिखना है रिपोर्ट कब आप लिख पाओगे वेन यू हैव द इनफ कंटेंट ऐसे आप कब लिख पाओगे वेन यू हैव इनफ कंटेंट तीन सौ का वर्ड का ऐसे लिखना है तीन सौ वर्ड का ऐसे लिखना मतलब आप तीन सौ वर्ड ही पढ़ेंगे तब आपको ऐसे लिखा नहीं जाएगा अब कम से कम 600 से 700 वर्ड पढ़ना पड़ेगा इसलिए हमने आपको 600 से 700 सौ वर्ड का एसे देंगे उस एसे के रिगार्डिंग में क्या क्या पॉसिबल टाइटल्स होगा वो भी हम इस ऐसे में देंगे और उस एसे के बाद अडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब हर एक टाइटल के बाद उसके मिलते जुलते अडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम आपको देंगे उस ऐसे में क्या फ्लोचार्ट बनने बनेगा फ्लोचार्ट का मतलब इस ऐसे क्या क्या डायमेंशन में चलने का चांसेस है वो भी हम आपको फ्लोचार्ट हम ही बना के देंगे तो इसीलिए बोलता हूँ ये बुक आपको एक अच्छा फ्रेंड होने वाला है ठीक है विनय सर एक और सवाल काफी स्टूडेंट्स जो हमारा कोर्सेस है प्रयास है प्रतिभा है अभ्यास है क्लासरूम दिल्ली में है क्लासरूम हैदराबाद में है वो सारा स्टूडेंट्स मुझसे पूछते सर किताब हमें कैसे मिलेगा क्या हमें भी पे करना पड़ेगा हमें फ्री में मिलेगा क्या सर आप मुझे जवाब दो तो उन सब के लिए भी मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में ही जवाब दे दें ठीक है सर आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है सॉरी ठीक है सर आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है स्टूडेंट्स मुझसे भी पूछते रहते हैं कि सर मुझे बुक मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका आंसर बहुत ही सिंपल है एक बार आप नोट कर लो ठीक है अगर आप ओ के साथ रजिस्टर्ड हो मतलब ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम एवी के ओ प्रोग्राम करके होता है उसके साथ रजिस्टर्ड हो यू विल गेट दिस बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है आपको एक रुपए भी पे करने की जरूरत नहीं है डिलीवरी चार्जेस भी पे करने की जरूरत नहीं है ओके नेक्स्ट अगर आप प्रयास स्टूडेंट हो प्रयास का बैच वन बैच टू बैच थ्री तीनों बैचेस है और एक बैच फोर भी आने वाला है ठीक है इस सारे बैचेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बुक डिलीवर होने वाला है नेक्स्ट अभ्यास होगा एंड लास्ट बचा है प्रतिभा प्रतिभा टेस्ट स्टूडेंट्स है उनके लिए बुक आपको फ्री में नहीं मिलेगा ये आपको अलग से परचेस करना है ठीक है फिर से नोट करो प्रतिभा जो भी स्टूडेंट्स है प्रतिभा टेस्ट सीरीज पेपर वन और पेपर टू जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेस किया है उनके लिए ये बुक नहीं आएगा आपको अलग से परचेस करना है इज़ इट क्लियर और यहाँ पे एक भी, एक चीज़ मैं भूल गया जो ऑलरेडी क्लासरूम से इनरोल्ड है ठीक है वेदर इज़ दिल्ली और हैदराबाद सबको बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एड्रेस पे या आपके इंस्टीट्यूट्स पे आपको मिल जाएंगे ठीक है सर स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट है जिसका आंसर आपको पता है लेकिन स्टूडेंट्स सुनना चाहते हैं कि उसका आंसर क्या है ठीक है सो अभी तक ऑलमोस्ट ऑल मई टेन तक का कंटेंट या मई इलेवे तक का समझ लो कंटेंट बुक में दिया गया है ठीक है एंड वॉट कंटेंट आफ्टर मई टेन मतलब मे का कंटेंट कंटेंट या जून का content उनको कैसा मिलेगा ओके okay. तो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको बता, आप, आपको वो बताना है अभी यस ये वेरी कॉमन क्वेश्चन जो मैं पिछले तीन साल से हर साल सुनते आ रहा हूँ सो गाइज वन थिंग मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ड्यूरिंग योर अप्लीकेशन फॉर द बुक आप बुक का अप्लीकेशन प्रोसेस लेने लेते समय हम आपका मेल आई डी भी लिया है मेल आई डी हम इसलिए लिया क्योंकि इस दो महीने का मान के चलो मे का और जून का इस दो महीने का जो भी कंटेंट यानी करेंट कंटेंट कंटेंट जो भी एड होगा वो पूरा आपका पी डी एफ के रूप में आपको मेल में दिया जाएगा ओके गाइज सो नेवर वरी अबाउट द कंटेंट आई एम मे तक दिया इस दो महीने का हम क्यों छोड़ेंगे हम आपको देंगे बुक लेने के बाद भी आपको कंटेंट मिलेगा लेकिन वो आपको हार्ड कॉपी नहीं बल्कि सॉफ्ट कॉपी आपका मेल में दिया जाएगा यहाँ पे आपसे मुझे और कुछ भी एक चीज़ डिस्कस करना है सो so, आप सबको तो पता है कि आज बुक तो लॉन्च हो गया है लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मतलब मे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे टीम के लिए इंपॉर्टेंट है आज श्रवन सर का बर्थडे है एंड uh, आपके तरफ से आपको क्या करना है सर को विश करना है कमेंट करो आप हैप्पी बर्थडे करके ठीक है थोड़ा हमें खुशी मिलेगा इसके साथ साथ खुशी मतलब ऐसा नहीं खुशी इसलिए क्योंकि सर आज हमें टाइम दिए हैं ठीक है बर्थडे के दिन भी हमें टाइम दिए हैं एंड फॉर दैट आपको क्या करना है थोड़ा बहुत ग्रेटिट्यूड सर को दिखाना है पेपर टू आपको गाइड करते आ रहे हैं और uh, बुक आपके लिए लिखे हैं काफ़ी uh, छः महीने का मेहनत था ये आपके सामने बहुत ही जल्दी आने वाला है एंड थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सो मच फॉर योर विशेज ऑल्सो सर थैंक यू सो मच और ए वी के एस एकेडमी को भी स्टूडेंट्स को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ एंड ऑन माई बर्थडे इट्स नॉट लाइक माई बर्थडे में काम नहीं करूँगा मैं बर्थडे में भी काम करूँगा हर दिन आपके लिए काम करूँगा आप यूनिफॉर्म पहनते तक मैं काम करते रहूँगा आपके लिए ही Uh, I am writing books, I am giving videos, I am giving lectures. It's all because of AVKs, because of you students, your love, which will continue for the time to come. Thank you so much. Thank you all.